एशिया टेलीकॉम में कोई भी आ सकता है, बिंदास आ सकता है, पैसा वसूल नहीं कर सकता। पैसा वसूल है सर, पैसा वसूल। अगर आपको देख के कोई आए तो आ सकता है? जी जी, उसका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। सर मैं एशिया टेलीकॉम में यही बोलना चाहूँगा, अगर जिस भाई को भी अगर डीप नॉलेज में काम करना है प्रोफेशनल लेवल तक, अगर उसको हाई प्रोफेशनल काम करना है तो सिर्फ एशिया टेलीकॉम में आए, क्योंकि यहाँ पे सर डाटा शीट भी बनवाई जाती है और पैड टू पैड नॉलेज और जीआर वगैरह सबको टेस्ट कराया जाता है और बोल के पैड लाइन भी पढ़ाना सिखाते हैं यहाँ पे। और बात करें पैसा वसूल की तो? जी सर, मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है? जी सर, पैसा वसूल है। और जो आएगा उनका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 100% होगा सर, गारंटी। गारंटी सर। बहुत अच्छा, मैं राकेश गुजरात से हूँ, मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। चलिए, अगर आपको देखिए कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो क्या करना चाहिए? जिसको भी सीखना है वो आज वो तो हमें 12 साल गए, पर हम सेल्स देखते रहे। सेल्स देखते थे। तो आपने कभी आईसी पे काम किया था? नहीं नहीं सर, रिपेयरिंग का तो सोचा ही नहीं हमने। कहाँ पे किया आपने? यहीं पे सर, एशिया टेलीकॉम, जब से ज्वाइन किया है। तो ओवरऑल आप आईसी पे काम करने के लिए मैं बोल दूँ, कोई सा भी चालू फोन दे दूँ और मैं बोलूँ इसका चलिए पावर निकाल दीजिए और फोन को दोबारा से चालू कर दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। और सीपीयू बिल्कुल हो जाएगा, जीरो ओके आए बिल्कुल। हाँ, जीरो की ट्रिक अगर लेनी है अपना माइंड मत चलाएं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करें जैसे बताया जाए। नहीं तो अपना लॉजिक लगाएगा, हमारा लॉजिक आपका लॉजिक मिलके वो दोनों मिलके बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। फ्रेशर के लिए तो सबसे बेस्ट है, समझो बेस्ट है। फ्रेशर भी सीख सकते हैं यहाँ पे? फ्रेशर के लिए मतलब फ्रेशर तो बिल्कुल जीरो होगा ना सर, जो यहाँ पे ट्रिक बताएंगे वही फॉलो करेगा, अपना माइंड लगाएगा नहीं? नहीं लगाएगा, सही बात है। सोचे था सर उसे बहुत ज्यादा मिला सर, ज्यादा मिला। पैसा वसूल हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है। उससे क्या वसूल हो रहा है सर? उससे ज्यादा हो रहा है। कब आपका पैसा वसूल हो गया था? जब 2-3 दिन क्लास किए तो हमको लग रहा है सर कि हाँ समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है, अच्छे से समझा रहे हैं। एशिया टेल पे थैंक यू सर, मेरे इतने काबिल बनाए हमें। चलिए ठीक है, जो कुछ भी आना चाहे वो आ सकते हैं। पैसा वसूल हो जाएगा? हाँ सर, पैसा वसूल है। सच बताइए, गारंटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? लखनऊ से पवन जी हैं, लखनऊ से। तो चलिए मैं बात करूँ आपसे पहले दिन की।
तो आप जब पहले दिन में आप दोनों भाई लोग आए थे तो आपके दिमाग में डाउट था कि नहीं डाउट था कि क्या आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? जी सर, डाउट था। तो कब आपका डाउट क्लियर हो गया था? जैसे ही क्लास हमने ज्वाइन की दो तीन दिन तो सर डाउट क्लियर हो गया। दूसरे तीसरे दिन में आपका डाउट क्लियर हो गया था। तो EMMC का जो चार दिन का क्लास हुआ आपका, तो इसमें कोई डाउट है कि नहीं है? आप नहीं, इसमें सर कोई डाउट नहीं। तो जो मतलब पहले दिन में आपको UFI के बारे में बताया गया था, दूसरे दिन में आपको इंटरफेस समझाया गया था उसका कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और तीसरे दिन में आपको इसका इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें डम्प को रीड करना राइट करना ये सब सारी तीसरे और चौथे दिन में बताया गया था, और आपको प्रोग्रामिंग भी बताया जा रहा है साथ के साथ में। तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है? बिल्कुल कोई डाउट रह जा रहा है आपको? डाउट होता है तो सर क्लियर कर देते हैं, तुरंत क्लियर करते हैं, नहीं करते हैं क्लास आगे बढ़ाते हैं क्या अगर कोई भी डाउट होता है? नहीं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ाते। अगर वो क्लास अगर आप क्लास में पूछते कोई डाउट और हम बोलते चलिए एक घंटे बाद पूछिएगा या दो घंटे बाद पूछिएगा तुरंत, तो ये सब धीरे धीरे डाउट आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि नहीं है? और साथ के साथ आपका ब्लैक पेस्टेड पे भी काम चल रहा है, तो ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आपने इसका पावर निकाला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका आपने EMMC CPU निकाला कि नहीं निकाला? जी जी, ये रखा हुआ है। ये देखिए CPU भी इन्होंने निकाल रखा है। आपका IC डैमेज हुआ क्या? नहीं सर, 3 से 4 दिन के अंदर आप ब्लैक पेस्टेड पे ही काम कर रहे हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई भी प्रिंट उखड़ा आपका? नहीं सर, नहीं उखड़ा। पहले IC का काम आप पहले दिन से ही कर रहे हैं? जी। अगर पहले दिन से आप IC पे काम नहीं करते तो आज क्या ब्लैक पेस्टेड निकाल पाते इतने आसानी से? नहीं निकाल पाते। जो बोर्ड देखने का नजरिया है, जैसा कि देव सर ने आपको बोला था कि बोर्ड देखने का नजरिया आपका बिल्कुल ही बदल देंगे, तो अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बहुत चेंज हो गया सर, अब रीड कर पा रहे हैं। अब हर एक IC को देख के आप बता पाएंगे कि इसमें CPU MediaTek का लगा है, पावर कौन सी लगी है, सेकंड पावर कौन सी लगी है, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत मुश्किल से आपको मिलती हैं। तो वो जो सर ने आपको दिया है वो उन्होंने अपना अनुभव दिया है अपने नॉलेज के हिसाब से, तो अब वो चीज़ आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ओवरऑल कैसा रहा क्लास? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? सर, एशिया टेलीकॉम में कोई भी आ सकता है, बिंदास आ सकता है, पैसा वसूल है सर। पैसा वसूल है सर? पैसा वसूल, अगर आपको देख के कोई आए तो आ सकता है? जी जी, उसका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव है। गौरव जी कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं, बहुत बड़े जगह से हैं भाई, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तो एशिया टेलीकॉम ही क्यों? सर एशिया टेलीकॉम में सर एक मेरा सपना था। नहीं सपना था सर, मेरे को यहाँ पे काम सीखने का। कितने साल से आप एशिया टेलीकॉम को फॉलो कर रहे हैं? सर मैं 2016-17 से फॉलो कर रहा हूँ। 2016-17 से आप एशिया टेलीकॉम फॉलो कर रहे हैं, और 2000 कितने में आए? 2022 में आए। जी सर, तो मैं पूछूं आपसे कि आपकी EMMC की 4 दिन की क्लास हुई है, 4 दिन की क्लास में आप क्या कहना चाहेंगे? सर 4 दिन की क्लास में मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आया, बाकी हर चीज़ में बिल्कुल क्लियर हो गई है, मेरी तो कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। कोई भी डाउट जो भी आपको थ्योरी चल रहा है, साथ के साथ हम प्रैक्टिकल भी आपके करवा रहे हैं, तो उसमें कोई आपको डाउट है क्या? नो सर, प्रैक्टिकल ना तो थ्योरी में डाउट है ना तो प्रैक्टिकल में सर, क्योंकि हमने खुद ही प्रैक्टिकल इतने सारे फ़ोन ठीक डायग्नोज करे हैं और उनको रिपेयर भी कराए, मतलब लाइव अपने सेट भी रिपेयर कर रहे हैं? जी सर जी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे पहले दिन की, अगर तो आपने कभी IC पे काम किया था? जी सर नहीं, पहले मैं काउंटर देखता था। काउंटर देखते थे, और अब आपने IC पे काम किया? जी सर बिल्कुल। आपने चालू फ़ोन से CPU निकाल के फ़ोन को दोबारा चालू किया नहीं किया? जी बिल्कुल करा था, दूसरे दिन में ही कर दिया था। दूसरे दिन में ही आपने मतलब कर दिया था ऑन फोन, चालू फ़ोन का पावर निकाल के आपने ऑन किया था? जी बिल्कुल। और CPU? CPU भी सर 3rd day तो मैंने लाइव 4G CPU निकाल के फिर रिमाउंट करके मैंने उसको चालू किया था। आपने वन टाइम में किया था या फिर बार बार में? सर सेकंड टाइम में मैंने कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब रिकॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वन टाइम लगाने के बाद सक्सेस हो गया था। चलिए अब मैं बात करूँ कि एक फ़ोन में IC को देख के जो देखने का नज़रिया है जी सर, कैसे चेंज हुआ आपका, किसने चेंज कराया? सर जो बोर्ड देखने का नज़रिया वो सर देव सर ने चेंज कराया, जब हमारी कंपोनेंट की क्लास स्टार्ट हुई थी इसके 2 दिन बाद ही सर हमें पता लग गया था कि इस फोन में कितनी पावर IC लगती है और कौन कौन सी होती है, और अब तो हम मतलब बोर्ड देख के ही बता सकते हैं इसमें कितनी पावर IC लगती है या नहीं लगती। तो हर सेक्शन का जो मैं आपसे बात करूँ गौरव जी, हर सेक्शन का जो होता है एक फंडामेंटल जो होता है कि इनपुट आउटपुट EN कौन से सेक्शन में EN आएगा, कौन से सेक्शन में फ्रिक्वेंसी आएगी, ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? जी बिल्कुल। बताई गई हैं कि नहीं बताई गई? बिल्कुल बताई गई। आपने प्रैक्टिकल भी करा हुआ? प्रैक्टिकल में भी कराया जी सर, हमने कॉपी में मतलब डाटा शीट भी बनाई है। तो चलिए मैं बात करूँ कि EMMC की 4 दिन की क्लास हुई है, साथ के साथ हम आपसे ब्लैक पेस्टेड पे भी हैंड स्क्रीन पे भी काम करवा रहे हैं, हालांकि हम हैंड स्क्रीन पे पहले दिन से काम करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं? जी सर पहले दिन से काम करा रहे हैं, पहले दिन से ही करवा रहे हैं। तो बताइए आपने किसी बोर्ड से ब्लैक पेस्टेड पे काम किया आपने? ये देख सकते हैं ओप्पो का बोर्ड है जी सर। अच्छा गौरव जी,
आप दिल्ली से हैं, आपने भी बहुत सुना होगा कि ब्लैक पेस्टर जो होता है बहुत हार्ड होता है। वन प्लस में बहुत है, कुछ भी नहीं है ब्लैक पेस्टर। जैसा देव सर बोलते थे ना कि मक्खन करवा देंगे। जी बिल्कुल, रात तो पता ही लग गया कि मक्खन ही है ये। दी बस ट्रिक का कमाल, ट्रिक का कमाल है। एशिया टेलीकॉम में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? सर मैं एशिया टेलीकॉम में यही बोलना चाहूँगा, अगर जिस भाई को भी अगर डीप नॉलेज में काम करना है प्रोफेशनल लेवल तक, अगर उसको हाई प्रोफेशनल काम करना है तो सिर्फ एशिया टेलीकॉम में आए, क्योंकि यहाँ पे सर डाटा शीट भी बनवाई जाती है और पैड टू पैड नॉलेज और जीआर वगैरह सबको टेस्ट कराया जाता है और बोल के पैड लाइन भी पढ़ाना सिखाते हैं यहाँ पे। और बात करें पैसा वसूल की तो? जी सर मेरा पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। जी सर पैसा वसूल है। और जो आएगा उनका पैसा वसूल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 100% होगा सर, गारंटी। गारंटी सर। थोड़ा सा इधर देखिए, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से। गुजरात से हैं, तो गुजरात में भी तो बहुत से इंस्टीट्यूट है, ऐसे टेलीकॉम में क्यों ज्वाइन किया आपने? मैंने बहुत टाइम से देव सर को मैं पहले पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा देव सर का सिखाने का तरीका और बात करने की। तो चलिए मैं बात करूँ आपसे, EMMC की 4 दिन की क्लास होगी, 4 दिन के क्लास में अभी भी कोई डाउट है क्या आपको? नहीं, मेरे को तो सब समझ आया, सबको भी आया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सर जो सिखा दो बहुत बढ़िया सिखा। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक टीचर नहीं है, यहाँ पे जो भी है टीम वर्क है, हालांकि एक टीचर यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं मिलते हैं, सारे टीम वर्क में वर्क होता है। वो तो सही है। तो ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो साथ के साथ ब्लैक पेस्टेड का जो काम चल रहा है ना, तो ब्लैक पेस्टेड करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? मक्खन भी ज़्यादा निकाला, मक्खन निकाला आपने, एक भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अब एक बात बताइए कि 4 दिन के अंदर आपको ब्लैक पेस्टेड पे भी काम करवाया जा रहा है और आपको ब्लैक पेस्टेड पे भी काम करवाया जा रहा है, साथ के साथ UFI का थ्योरी भी दिया जा रहा है और प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है, हाँ, तो इन सब में कोई भी डाउट आपका रह जा रहा है? नहीं, मेरा तो कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। और मैं बात करूँ हार्डवेयर की, तो जो बोर्ड देखने का नज़रिया है, जो भी CPU लगा है उसको देख के आप बता पाएंगे क्या? और तो देव सर ने बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि जैसे भी हमने CPU देखा तो हमको मालूम पड़ेगा PM कौन सा है, BMI कौन सा है, चार्जिंग IC कौन सा है, निवॉल का है, सब मालूम पड़ता है, नेटवर्क IC कौन सा है, CPU वाइज जो भी है, जो भी सारी चीज़ें बता पाएंगे आप, 4G 2G RF वो सब मालूम, WTR वो सब मालूम पड़ता है। चलिए ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे इसे टेलीकॉम के लिए? बहुत बहुत अच्छा, मैं राकेश गुजरात से हूँ, मेरा पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। चलिए अगर आपको देखे कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो क्या बोलना? करना चाहिए, जिसको भी सीखना है वो आज भाई। राज लखनऊ से। राज लखनऊ से। राज जी लखनऊ से। चलिए आपके साथ आपके भाई भी आए हैं, ये काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं बात करूँ आपसे कि पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में कोई डाउट आपको? सबसे पहले मैं डाउट पूछ लूँ आपसे। नहीं सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। बहुत इजी तरीका यहाँ पढ़ाने का और समझाने का और प्रैक्टिकली जो भी है वो भी बात करेंगे। तो जो पढ़ाया जा रहा है आपको थ्योरी, वो आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं? नहीं बना रहे, जरा आप नोट्स दिखा दीजिए। नोट्स भी बनाए सर, फेल भी कर रहे हैं ये तो फिलहाल। नोट्स चेक करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। बिल्कुल करते हैं। करते हैं जी। तो चलिए मैं बात करूँ कि ब्लैक पेस्टेड पे काम का, जो साथ के साथ आपका ब्लैक पेस्टेड भी काम करवा रहे हैं और आपका UFI का थ्योरी भी चल रहा है, उसका प्रैक्टिकल भी चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर बहुत ही इजी कर दिया है ब्लैक पेस्टर को, और जो ट्रिक्स दी है बहुत इजी है, मतलब आराम से निकल जाता है। आप IC पे काम कब से कर रहे हैं? सर जहाँ से, जब से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब से। आप इस मोबाइल की फील्ड में कब से हैं? सर वो तो हमें 12 साल गए, पर हम सेल्स देखते हैं। सेल्स देखते थे। तो आपने कभी IC पे काम किया था? नहीं नहीं सर, रिपेयरिंग का तो सोचा ही नहीं हमने। कहाँ पे किया आपने? यहीं पे सर, एशिया टेलीकॉम, जब से ज्वाइन किया है। तो ओवरऑल आप IC पे काम करने के लिए, मैं बोल दूँ कोई सा भी चालू फ़ोन दे दो और मैं बोलूँ इसका चलिए पावर निकाल दीजिए और फ़ोन को दोबारा से चालू कर दीजिए, तो जी, कर पाएंगे? हो जाएगा, हो जाएगा। और CPU? बिल्कुल हो जाएगा। EMMC? कुछ भी हो बोर्ड, अगर EMMC में कोई एरर आ जाए 90% कंज्यूम का, तो आप उसको फिक्स कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल। हालांकि आज 90% कंज्यूम का ही क्लास था आपका। जी जी। तो लाइव हुआ कि नहीं हुआ? सर यहाँ पे सब लाइव ही होता है। एक फ़ोन सर ने करके दिखाया और बाकी स्टूडेंटों ने किया कि नहीं? जी, किया जी, जी, खुद से किया कि नहीं? जी, किया खुद से किया। ऐसा तो नहीं है कि उनको अलग से उनको हाथ पकड़ के करवाया? नहीं 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 सर, इतना इजी, इतना इजी बताते हैं, मतलब सब कर लेते हैं आराम। अब बोर्ड देखने का जो नज़रिया, मैं अगर मैं बात करूँ आपसे कि कोई सा भी CPU उसमें पावर देख के बता पाएंगे? जी जी कि बता देंगे। कौन सा कौन सा CPU लगा है और CPU से देख के बता पाएंगे कौन सा पावर है, कौन सा CPU पावर है, कौन सा BQ है? बता देंगे। बता देंगे जी जी। ओवरऑल कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया सर। कैसा लगा एशिया टेलीकॉम? एक नंबर सर। कैसे लगे आपको यहाँ की टीम? टीम तो सर चलिए ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूँ क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम नंबर 1 पे है सर मेरे हिसाब से।
चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। सर राज लखनऊ से, और कोई भी यहाँ आना चाहता है मोबाइल फील्ड में, चाहे वो फ्रेशर हो और चाहे वो कर रहा हो, जिसको सीखना है पूरा एंडलेस, वो यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन करें। जो आपने फीस यहाँ पे जमा किया है वो पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? जी जी वो तो वसूल हो गई थी। वसूल हो गई? जी जी। कब हो गई थी वसूल? हार्डवेयर क्लास में हो गई। हार्डवेयर क्लास में ही आपकी वसूल हो गई थी। और मैं बात करूँ अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे, वो लखनऊ से हो या फिर ऑल ओवर इंडिया से हो या फिर कहीं से भी हो, अगर उसके अंदर लगन है तो जरूर आए। आ सकता है? जी बिल्कुल आए। पैसा वसूल है? बिल्कुल वसूल है सर। जो आएगा उसका वसूल होगा? हो जाएगा सर, जब मेरा हो गया तो सबका होगा ना सर। चलिए मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो वो जो फ्रेशर होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ की ट्रिक बताई जाएगी ना, तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये बोलूँगा कि अगर आपको एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल माइंड क्लीन करके आइए। एक सादा पन्ना जो होता है ना, बिल्कुल जीरो होके आए। बिल्कुल हाँ जी। यहाँ की ट्रिक अगर लेनी है अपना माइंड मत चलाएं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करें जैसे बताया जाए। नहीं तो अपना लॉजिक लगाएगा, हमारा लॉजिक आपका लॉजिक मिलके वो दोनों मिलके बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। फ्रेशर के लिए तो सबसे बेस्ट है, समझो बेस्ट है। फ्रेशर भी सीख सकते हैं यहाँ पे? फ्रेशर के लिए मतलब फ्रेशर तो बिल्कुल जीरो होगा ना सर, जो यहाँ पे ट्रिक बताएंगे वही फॉलो करेगा, अपना माइंड लगाएगा नहीं? नहीं लगाएगा, सही बात है। और मैं बात करूँ आपसे कि तीसरे दिन में आपने 4G फोन का पावर निकाल के लगाया था? जी जी बिल्कुल। और चौथे दिन में क्या लगाया था आपने? चौथे दिन में सीपीयू था सर, वो भी आईफोन का भी दिया था। नहीं आपने दूसरे दिन में रिवॉल्विंग किया था, पहले दिन में रिवॉल्विंग किया था, और तीसरे दिन में आपने पावर लगाया था चालू फोन का, और चौथे दिन में सीपीयू लगाया था 4G फोन का। तो फोन ऑन हुआ तक नहीं हुआ था? बिल्कुल हो गया था सर। चलिए ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसको नहीं समझ आता सर उसको सामने बिठा के करवाते हैं मतलब। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तौसीफ आलम है, बिहार से हूँ। तौसीफ जी बिहार से हैं, तो चलिए मैं बात करूँ आपसे पहले दिन की। तो पहले दिन की EMMC क्लास में कैसा रहा आपका अनुभव? पहले दिन से लेकर चार दिन के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया रहा? जो भी आपका थ्योरी हो रहा है वो डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जी सर, थ्योरी प्रैक्टिकल फिर सर पार्ट बाई पार्ट हर 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 किसी को बताते हैं समझाते हैं अच्छे से। अब UFI का इंटरफेस, कोई भी EMMC को इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं बोलूँ कि इसका पूरा इंटरफेस समझा दो हमें, समझा पाओगे आप? जी सर बिल्कुल समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। तो चलिए मैं बात करूँ, साथ के साथ ब्लैक पेस्टेड पे भी आपका काम चल रहा है और या ब्लैक पेस्टेड पे काम भी कर रहे हैं? जी आपने अभी पावर निकाला हुआ है या CPU और EMMC दोनों निकाल के रखा है आपने और अभी पावर निकाला है? जी सर जी सर। आप ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी ना सर? बिल्कुल सर, ऐसे ट्रिक्स दे रहे हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बात करें आपसे IC को माउंट रिमाउंट करने का, अभी तो मान लीजिए ब्लैक पेस्टेड का काम चल रहा है, तो IC माउंट रिमाउंट आप पहले दिन से ही कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट डे से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। IC पे काम आप पहले दिन से ही कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बात करूँ, जो देव सर के साथ IC आइडेंटिफिकेशन की जो क्लास हुई थी, जैसा कि सर ने बोला था कि आपको PCB देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल देंगे, तो वो बदला कि नहीं बदला? जी सर बिल्कुल बदला सर, बदल गया। अब कोई सा भी बोर्ड मैं आपको दे दूँ और मैं बोलूँ कि इसमें ये CPU है, या फिर आप ही देख के बताइए कि इसमें कौन सा CPU लगा है और उसमें कौन सा फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है, किसमें B2 का सर्किट है, ये सब सारी चीज़ें आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? जी सर बिल्कुल, इसमें पूरा सर कौन कहाँ कंपोनेंट है, कहाँ पावर है, CPU है, स्टोरेज है, सब ये जो आपकी EMMC की क्लास चल रही है, अभी भी कोई भी आपको डाउट है क्या चार दिन के क्लास में? ना सर कोई डाउट। अभी आपको आगे कौन सी किस चीज़ की मतलब डुअल डेकर की मिलने वाली है क्लास? जी सर डुअल डेकर मिलने वाली है सर। और नेट प्रोग्रामिंग की बात करें तो नेट प्रोग्रामिंग सर नेट प्रोग्रामिंग मिलने वाली है भी सर, सर भी बताया कैसे करना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यही चीज़ अगर ऑनलाइन दें, हैंड स्किल ऑनलाइन मिल सकते हैं? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे कोई गलती करते हैं तो पीछे आपके टीचर्स होते हैं, अगर जो गलती होता है वो उसका सुधार कराते हैं नहीं कराते? जी सर यहाँ तक सर पूरा घूम के देखते रहते हैं, कौन लगता है क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, सबको बताते हैं समझाते हैं, फिर कोई भी फॉल्ट होता है तो उसको ही करते हैं सुधारते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। चलिए ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे कि आप जो सोच के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो आपको मिला कि नहीं मिला? सोचे थे सर उसे बहुत ज़्यादा मिला सर। ज़्यादा मिला? पैसा वसूल हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। हो रहा है? उससे ज़्यादा वसूल हो रहा है सर। उससे ज़्यादा हो रहा है? कब आपका पैसा वसूल हो गया था? जब 2-3 दिन क्लास किया तो हमको लग रहा है सर कि हाँ समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है, इतना अच्छे से समझा रहे हैं। तो डेट सेक्शन जो आपका देव सर के साथ हुआ उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेट सेक्शन सर बहुत अच्छे से समझाया सर। कितने फोनों पे डेट सेक्शन हुआ था? बहुत सारे फोनों पे सर, ऑलमोस्ट 50 प्लस फोन था सर। 50 प्लस। ओवरऑल मैं पूछूँ क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए?
ऐसे तो मेरे सारे जितने सारे टीचर्स हैं सब अच्छे से पढ़ाते हैं सर, फिजिकल थ्योरी फिर खेलते के सर स्टूडेंट को बार बार बताना समझाना अच्छे से, उनका थ्योरी जो माइंडेड है डीपली माइंडेड से पढ़ाना हर चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से कंसेप्ट, एक हार्ड चीज़ को नॉर्मल में क्रिएट कर देना जी सर, समझाते हैं इस हिसाब से बिल्कुल समझाते हैं सर। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या बोलेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए? सर मैं तो फिर सालों में बिहार से हूँ और मेरा पैसा जितना हम किए थे उससे भी ज़्यादा मेरा पैसा वसूल हो गया सर। अगर आप लोग ऐसे कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं सर, जिसको मेहनत करना है सर, जो जिसको लगन होगा काम करना है सीखना है तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है सर। पैसा वसूल है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर हूँ, मैं MP से हूँ सर। MP से ही है आप? तो चलिए नंदकिशोर जी, अगर मैं आपसे बात करूँ कि MNC की चौथे दिन की क्लास है, पहले दिन से लेकर चौथे दिन में आपको कोई डाउट है क्या? नो सर, सब क्लियर है सर। चलिए मैं सबसे पहले जो आज आपकी क्लास थी, आज की जो क्लास थी 90% कंज्यूम की क्लास थी, MNC में जो लगे आता है प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग करना पड़ता है तो वो आप 90% जो कंज्यूम का इशू आता है वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर सबसे ज़्यादा जो MMC का इशू आ रहा हो और नॉर्मल सर सब जो चीज़ बताते समझ में परफेक्ट आ रहा है सर, और एक ही आ रहा है सर। और साथ के साथ मैं बात करूँ ब्लैक पेस्टर पे भी, हैंड स्किल पे भी हम काम करा रहे हैं आपसे, तो ब्लैक पेस्टर निकालने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत नहीं आई सर, जब आई सी बढ़िया बॉल बनी है और ब्लैक पेस्टर भी सब आई सी निकाल दी मैंने, देख सकते हैं ये ब्लैक पेस्टर आई सी था। और हालांकि आप आई सी पे पहले दिन से ही काम कर रहे हैं माउंट रिमाउंट, और आपने 4G फोन पे CPU भी निकाल के लगाया था, चालू भी किया था फोन को आपने, और पावर भी निकाल के चालू किया था आपने, निकाला था कि नहीं निकाला था आपने? चालू हुआ था फोन, कितनी बार में ऑन हुआ था फोन आपका? सर दूसरी बार में चालू हो गया, मतलब पहले फर्स्ट टर्न में नहीं हुआ था, दूसरे टर्न में हुआ था। IC पे काम किया तो दिक्कत आती है सर। अच्छा, पहली बार आपने IC पे काम किया था, तो मतलब IC का जो काम आपने निकालने लगाने की रिवॉल्विंग की काम जो भी है आपने कहाँ सीखा? यही आके सीखा सर, एसी टेलीकॉम में। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है अभी आपको IC पे काम करके? हालांकि आपका देव सर के साथ हार्डवेयर का क्लास हुआ है, सॉफ्टवेयर भी आपने सीखा, MMC की भी जो क्लास चल रही है, ये सब सारी चीज़ें अगर अलग अलग करके दिया जाए तो क्या मतलब इतने अच्छे से कोई काम कर पाएगा? नहीं नहीं कर पाएगा सर, सब इजी समझा रहा है, सब बढ़िया समझा रहा है, दिमाग भी अब हल्का हो गया, सब काम ईजी हो गया। अब आपको इस मोबाइल के पैसा के लिए मैं पूछूँ आपसे, मोबाइल के फील्ड में कितने दिन हो सकते हैं? पाँच छः साल में आपने जितने भी फोन वापस किए हैं अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉल्ट यहाँ से था और मैंने इसको वापस कर दिया था? अरे बहुत नॉर्मल थे सर, बहुत बड़े फॉल्ट समझते थे, यहाँ के वो ट्रिकें मिलती हैं सर, इजी हो जाएगा। चलिए ओवरऑल मैं बात करूँ कि जो आपका MMC का क्लास चल रहा है, इंटरफेस एक IC का जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पूरे इंटरफेस में जो भी चीज़ें उसकी खुलती हैं डाटा डिटेल्स, तो वो सारी चीज़ें आप एक एक करके पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़? हाँ सर सब पढ़ पाए और सब समझ भी रहे हो, करके भी दिखा। अगर मैं बोलूँ किसी को समझा देने के लिए तो आप समझा पाएंगे? हाँ, नहीं सर, समझा सब पाएंगे, समझा देंगे। समझा पाएंगे। चलिए ओवरऑल जो PCB देखने का नजरिया है, जो देव सर के साथ क्लास हुई थी, PCB देखने का नजरिया कब बदला आपका, किसके साथ बदला? सर देव सर ने पहले दूसरे तीसरे दिन ही बदल दिया सर। PCB देखने का नजरिया, एक MMC को छोड़ के हर एक चीज को डायग्नोज करना समझना, एक एक सब चीज डाउट और सब चेक करा दे, चेक करा दिया सर ने, तो ओवरऑल बता दें सर इसमें क्या खराबी क्या नहीं खराबी। DC की रीडिंग जो डेट का सेक्शन था देव सर के साथ आपका, डेट सेक्शन कैसा गया? बहुत बढ़िया गया, एक नंबर गया, एक नंबर। अगर आपको देख के कोई एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर जो आना चाहे वो बिल्कुल आ सकते हैं सर, मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं MP हूँ सर, मेरा पैसा दूसरे तीसरे दिन नहीं वसूल हो गया था सर, तो अब जो चल रहा है फ्री में चल रहा है सर, फ्री में चल रहा है। MMC के बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है सर इसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉर्मल, बहुत ईजी है। अच्छा चलिए मैं आपसे बात करूँ, अगर हार्डवेयर आपका कंप्लीट ना हो तो क्या MMC का काम कर पाएंगे? नहीं नहीं, मेन हार्डवेयर है इसका, अगर आपको IC निकालना ना बताए तो आप डायरेक्ट MMC निकाल लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, हर एक चीज़ जरूरी है, देखा जाए तो हर एक चीज़ का फॉल्ट सामने है कि नहीं है? हाँ सर। एक DC की रीडिंग ना, चलिए डेट सेक्शन ना हो तो DC की रीडिंग देख के कैसे बता पाएंगे कि आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है या फिर हार्डवेयर का काम करना है या फिर MMC का काम करना है? सर वो DC मशीन में लाके सब बताया पहली बार, ये सब चीज़ें आपकी डेट सेक्शन में क्लियर होती है कि नहीं है? हाँ सर। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम में थैंक यू सर, मेरे इतने काबिल बनाए हमें सर। चलिए ठीक है, जो कुछ भी आना चाहे वो आ सकते हैं, पैसा वसूल हो जाएगा? हाँ सर पैसा वसूल है। सच बताइए, गारंटी कौन लेगा? मैं ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।
उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।